हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्रेय मंत्रास। माय नेम इज अंकुर कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक बड़ी अच्छी न्यूज लेके आया हूं मैं। आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। एक ऑफिशियल के थ्रू ही हमें ये न्यूज मिली है और ये न्यूज टाइम्स नाउ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, timesnownews.com से आपको बता रहा हूं मैं। ये इसमें प्रिंट किया गया है। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा आरआरबी डी ग्रुप का रिजल्ट है वो 28 फैब से पहले डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। देखिए, आपको यहाँ पे इसमें दिख रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ऑफिशियल्स हैव रिपोर्टेडली कंफर्म्ड द आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट डेट। मतलब जो ऑफिशियल्स हैं आरआरबी के, उन्होंने ये डेट कंफर्म की है। और एज पर द कंफर्मेशन रिसीव्ड, ग्रुप डी रिजल्ट 2018 वुड बी रिलीज्ड बिफोर 28th of Feb 2019। मतलब 28 फरवरी से पहले कभी भी रिजल्ट आ सकता है। सो बी रेडी टू लिसन द गुड न्यूज एंड टू मेक योर फैमिली एंड योर सेल्फ हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, सो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने नंबर आपके आए थे और कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो गया है, क्या कट ऑफ्स गए हैं, कितने लोगों का आपके फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ है, सब लोगों के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आरआरबी एएलपी की, तो आरआरबी एएलपी का भी अभी हमारा आंसर की 2-4 दिन पहले रिस्पांस शीट आई थी। तो रिस्पांस शीट आने के बाद अभी जो न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। मतलब ज्यादा दिन आरआरबी एएलपी के लिए भी नहीं बचा है, मुश्किल से 10 से मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। सो आप लोग भी तैयार रहिएगा एक अच्छी खुशखबरी के लिए। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन लोगों के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। और देखो, अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना जाने के चांसेस हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कट ऑफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। जो मिनिमम कट ऑफ है फॉर आरआरबी डी ग्रुप सीबीटी रिजल्ट, तो वो हमारा जो एलिजिबिलिटी है मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो है हमारा 40 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 30 मार्क्स फॉर ओबीसी एससी एंड एसटी कैटेगरी। ठीक है, जिन लोगों के मार्क्स 40 से अबव है वो लोग मिनिमम मार्क्स में लाई करते हैं। मतलब 40 मार्क्स मिनिमम हमारा सिक्योर करना जरूरी है जिससे कि हम मेरिट लिस्ट में लाई कर सकें। उसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की, जो कि हमारा मेरिट लिस्ट को मतलब इन होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सिलेक्शन होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो वो हमारा ऑफिशियल से अगर पूछा गया है सो और बाकी कैंडिडेट्स की भी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया गया। बेसिकली इस एग्जाम में काफी लोग अपीयर हुए हैं तो इसीलिए हम इसमें डिसाइड बहुत जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। लेकिन हाँ, एक रेंज मैं आपको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ रेंज है इस एग्जाम में वो हमारी होगी। देखो, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे आरआरबी डी ग्रुप सीबीटी रिजल्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर्स। सो इसमें आपको कट ऑफ स्कोर्स दिख रहे हैं 52 to 67 मार्क्स। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 55 से अबव हैं, देन यू आर इन। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स 60 से ऊपर हैं, देन ही कैन एंजॉय, ओके, बिकॉज ही विल गेट सिलेक्टेड। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आएगी, वो कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू जोन। ठीक है, जिन लोगों ने जोन अच्छा सिलेक्ट किया होगा, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, आपको अगर इन जोन में जॉब चाहिए तो इन जोन की कट ऑफ हाई जाएगी। सो इन जोन के लिए आपको 70 के अप्रोक्स रहना होगा। 70 के अप्रोक्स अगर आपके मार्क्स हैं सो आप बी रेडी टू ज्वाइन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जोन्स की, दूर वाले जोन्स, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब जोन्स में जाने के लिए कैंडिडेट थोड़ा डरते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग यही सोचते हैं कि यार काफी दूर हो जाएगा, सो इसीलिए वहां की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। सो कट ऑफ कम जाने की वजह से यहाँ की जो कट ऑफ जाएगी वो अप्रोक्स 50 होनी चाहिए या फिर 55 के आसपास होने चाहिए। सो अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स 52 से 67 है, देन अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ न्यूज दे कैन बी रेडी टू एंजॉय द लाइफ इन रेलवेज। ओके, इस एग्जाम को जो लोगों ने अटेम्प्ट किया वो 1.15 करोड़ कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है। उनमें से हमारा 62,500 की जो वैकेंसी है उसके इतने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। सो आज के लिए दोस्तों इतनी न्यूज थी। बाकी आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टाइम पर। और हाँ, आरआरबी जेई का भी एग्जाम आने वाला है। आरआरबी जेई की क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ। सो जिन लोगों को आरआरबी जेई का एग्जाम देना है वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सॉल्व पेपर
سولو کر کے دوں گا میں آٹومیٹکلی, یہاں پہ پورا سولوشن بتا کے آپ کو دوں گا. سو اور بھی بہت سارے ایگزامس کے لیے لائک ایس ایس سی جے ای اور ٹیکنیشین وغیرہ کے جو بھی ایگزامس ہیں, جے ای کے جو بھی کسی بھی اسٹیٹ کا ایگزام ہے, سب کے لیے آپ یہاں سے پریپریشن کر سکتے ہیں. آپ کو میں آلریڈی یہاں پہ کافی سارے لیکچرز پڑھا چکا ہوں, جیسے کہ نیٹورک تھیوری کے, ڈیجیٹل الیکٹرانکس کے, کنٹرول سسٹم آن گوئنگ ہے اور باقی سارے سبجیکٹ بھی ابھی آن گوئنگ ہے لائک سگنل سسٹمز, انجینئرنگ, میتھمیٹکس. سو سبھی سبجیکٹ یہاں پہ ان ون ایئر سے پہلے پہلے میں 100% ایکوریسی کے ساتھ یہاں کلیئر کر دوں گا. تب تک کے لیے آپ جتنا بھی ہے اس کو پڑھتے رہیے گا اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ, جیسے اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ میں اور جلدی کمپلیٹ کروں سارے سبجیکٹ, تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھیے, میں جلدی سے جلدی ٹرائی کروں گا اور ٹیم کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں گے کہ ہاں جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کی جائے سبجیکٹ. سو باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.